नोटपैड में हम कुछ देखिए, नोटपैड में हम जो सबसे पहले जो शुरू करने जा रहे हैं, सबसे पहले कि आप अगर नोटपैड चलाए होंगे तो, या फिर कंप्यूटर्स में अगर कहीं नए फोल्डर बनाना हो तो फिर आप लोगों को नए फोल्डर बनाने के लिए आप कंप्यूटर्स में राइट क्लिक करते हैं, फिर उसके बाद न्यू में जाते हैं, उसके बाद फोल्डर बनाते हैं या उसकी शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आपसे कहा जाए कि नोटपैड से आप फोल्डर बनाओ या फिर आपको बताया जाए एक ही साथ में कई फोल्डर्स बनाओ और अलग अलग नाम से, तो शायद आप लोग नहीं कर सकते। तो मैं आपको बताऊंगा कि इस वीडियो में नोटपैड से मतलब आप फोल्डर कैसे बना सकते हैं। उसके साथ साथ मैं बताऊंगा कि एक ऐसे सॉफ्टवेयर से बनाना बताऊंगा कि जिससे आप लोग अगर उस क्लियर कर मतलब उसमें क्रिएट कर देते हो, बना देते हो, तो फिर आप उसमें जिसका नाम लिखेंगे तो सॉफ्टवेयर उसका खुद का नाम लेगा, नाम बताएगा, खाली उसमें नाम इंटर करना पड़ेगा। आप जैसे इंटर करेंगे वो स्वयं बता देगा कि फलाना नाम, मतलब जो नाम से बना रहेगा। फिर हमने नेक्स्ट चीज़ आगे बताई थी, जैसे कहने का मतलब आप कंप्यूटर चलाते हैं, कंप्यूटर चलाते समय आपने कुछ हैकिंग वगैरह देखे हैं, तो हैकिंग वगैरह करते टाइम मैंने कुछ ऐसा चीज़ बताऊंगा, उसमें सोर्स कोड रहेगा, तो उसमें डालने के बाद आप अगर कोड में रन करा देते हैं तो आपको एक ऐसा जैसे हैकर नहीं यूज करते हैं वैसे कुछ इंटरफेस सामने दिखेगा मतलब डॉस कमांड में। तो फिर ऐसे मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं और जैसे आप एक और हिस्से मैं बताऊंगा इसमें, जैसे आप नोटपैड में कुछ काम करते हैं तो अलग अलग डेट पे अलग अलग टाइम पे आपको वर्क मिलता है, तो अलग अलग डेट टाइम पे वर्क मिलता है तो फिर आप लोग अलग अलग करने में दिक्कतें होती हैं। तो मैं कुछ ऐसे वहाँ पर टूल्स बताऊँगा जिसमें आप कोड बता देने के बाद उसमें आप काम करेंगे तो फिर जब आप ओपन करेंगे तब उसमें आप उसमें अपना जो भी काम करेंगे वो डेट अपने ऑटोमेटिक फिट कर देगा, जब जब ओपन किया जाएगा तब तक नया नया डेट टाइम फिट कर देगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा डेट एंड टाइम, और जब आपको वर्क करना हो आप आसानी से जाके वहाँ पर खोज सकते हैं। तो चलिए हमें आज वीडियो को पूरा स्टेप बाई स्टेप देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले देखिए हम नोटपैड में हैं, देखिए सबसे पहले जो स्पीकिंग सॉफ्टवेयर के बारे में बताने जा रहे हैं कि जो स्पीकिंग सॉफ्टवेयर है इसमें हम कैसे काम करता है, कैसे बनाया जाता है। तो इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे जो इसका जो एक एप्लीकेशन इंटरफेस दिख रहा है, इसमें हम किसी भी नाम को टाइप करते हैं तो या उस नाम को स्पीक करके मतलब बोलता है जिस नाम को इसमें इंटर कर दिया जाता है। तो हम चलिए कैसे वो बनाते हैं उसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को जो कोड्स वगैरह हैं सब हम कैसे लिखते हैं वो सब देखते हैं। तो पहले हमारा नोटपैड खुल गया, नोटपैड खुलने के बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि हम यहाँ पे जो कोड्स होता है उसको हम लिखते हैं क्या क्या लिखते हैं। देखिए लिखने में यहाँ पे हम इसे कुछ कोड हमने लिख दिया, अब इसी कोड को हमें क्या करना है कि अब इसी कोड को हमने सेव करना है। तो फिर हम नोटपैड में ही लिखिए, सेव करने के बाद हम सबसे पहले यहाँ पे देख देते हैं, फाइल में जाते हैं, फाइल में जाने के बाद यहाँ पे सेव पे, सेव के लिंक बनने के बाद इसे हम जाके यहाँ पे किसी भी नाम को दे सकते हैं, जैसे रैम या राम नाम से किसी चीज़ को नाम से सेव कर सकते हैं। फिर यहाँ पे जो उसका एक्सटेंशन होता है वहाँ पे डॉट है ना VBS नाम से सेव करते हैं, और इसे हम डेस्कटॉप पे सेव करते हैं क्योंकि आपको दिखना चाहिए, तो इस डेस्कटॉप पे सेव कर लिए। तो डेस्कटॉप सेव करने के बाद इसको हम एक बार चेक करते हैं, देखिए ये हमारा ये बन गया। तो देखिए हम इसमें अगर ओपन कर लेते हैं, ओपन करने के बाद देखिए बन गया एकदम सेम जैसे हमने बताया था वैसा बन गया है। अब इसमें हम किसी नाम को जैसे यहाँ पे रन लिखते हैं, जैसे लिखते हैं मोहम्मद शाहनवाज, तो यहाँ पे इंटर मारते हैं। अब देखिए जिस नाम को हमने इंटर किया उस नाम को अपन ही बोलेगा मोहम्मद शाहनवाज। देखें तो हम अगर यहाँ पे किसी भी चीज़ ने भी चाहे उतने नाम को यहाँ पे हम लिख के ऐसे बोल सकते हैं, जैसे कहने का मतलब यहाँ पे सिर्फ आलम लिख दे रहे हैं तो फिर आलम भी आलम बोलेगा, मतलब आप जितने भी नाम एक बार बना देंगे तो फिर जितने भी नाम चाहें उतने नाम इंटर करके आप बुलवा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारा अगला है क्रिएट फोल्डर। क्रिएट फोल्डर में अगर हमें क्रिएट करना है तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे जो हम एक आपने राइट बटन कंप्यूटर्स में खोले होंगे या फिर जब यहाँ पे कंप्यूटर खोलते टाइम आपको राइट क्लिक करके यहाँ पे न्यू में जाके फोल्डर क्रिएट कर देते हैं, या फिर हम कंट्रोल शिफ्ट एन से डायरेक्टली खोल देते हैं। लेकिन हम कह रहे हैं कि अगर नोटपैड से आपको फोल्डर क्रिएट करना है या फिर डायरेक्टली आप एक बार ऐसे क्लिक करें आपको जितने चाहे उतने फोल्डर्स क्रिएट हो जाएं वो अभी अलग अलग नेम से, तो फिर हम नोटपैड में कुछ ऐसे जो तरीके हैं बताएंगे आप आसानी से कर सकते हैं। तो फिर देखिए हमारा नोटपैड खुल गया, नोटपैड खुलने के बाद यहाँ पे लिखते हैं एमडी लिख देते हैं। एमडी लिखने के बाद यहाँ पे सिंपल सा किसी भी नाम को हम सेव यहाँ पे फाइव फोल्डर बनाते हैं, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं शाहनवाज, फिर यहाँ पे लिख देते हैं मोहन, फिर यहाँ पे लिख देते हैं सोहन, फिर यहाँ पे सालिम, फिर यहाँ पे कुछ मतलब किसी भी नाम को लिख सकते हैं जैद,
ठीक, यहाँ पे जितने भी नाम चाहे आप लिख सकते हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे आप यहाँ फाइल में जाके, फाइल में जाने के बाद सेव पे क्लिक करके यहाँ पे डेस्कटॉप आपका सेलेक्ट रहेगा। यहाँ पे फाइल का नाम दे दीजिए, जिस नाम से यहाँ पे हम फोल्डर लिख देते हैं, फोल्डर फोल्डर। और फिर यहाँ पे डॉट, यहाँ पे बैट फाइल है तो BAT बैट फाइल बना लेते हैं। फिर यहाँ पे डेस्कटॉप पे सेव करते हैं, ऐसे आप क्लिक करते हैं। देखिए आपका, अब यहाँ पे क्लोज करते हैं, देखिए आपका ये देखिए फोल्डर वाली फाइल बन गई। हमने एक सॉफ्टवेयर वाला बनाया था, फिर एक हमने फोल्डर बनाया था। फोल्डर पे हम आप ऐसे क्लिक करते हैं, तभी देखो हमारा वही कोई फोल्डर है नहीं है, लेकिन जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं देखिए हमारा चार फोल्डर बन गया। देखिए यहाँ पे शानवाज, सोहन, सोहन, सालिम, जैद, जितनी फाइल फोल्डर बन गए। दोस्तों देखो अगर जैसे नोट पैड में आप काम करते हैं तो अलग अलग, जैसे आपके कोई जैसे मान लेते हैं कंपनी है, जैसे शाहनवाज एजुकेशन आपकी नाम की एक कंपनी है, तो लेकिन आप डेली का जब इस पे नोट पैड पर आते हैं तो फिर अलग अलग जो भी, जैसे हमारा देखिए शाहनवाज एजुकेशन कंपनी हो गया, जैसे 11:00 पर हमारा एक लैपटॉप 45,000 का बेचा, फिर हम नेक्स्ट जब फिर क्लोज करते हैं तो फिर हमारा अलग, जैसे अलग अलग टाइम पर अलग अलग टाइम डेट डालना पड़ता है, लेकिन हम ऐसा कुछ सेटिंग बताएंगे जो आपको अलग डेट और टाइम नहीं डालना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक ही जनरेट कर देगा टाइम। तो कैसे करते हैं तो उसको कुछ हम बताने जा रहे हैं। चलिए इसे .log लिखते हैं, फिर यहाँ पे इसको हम सेव कर लेते हैं, सेव किसी भी फाइल नाम से सेव कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिंपल लिखते हैं नेम, नेम नाम से फाइल डाल देते हैं। फिर यहाँ पर डेस्कटॉप पे भी सेव है तो हम यहाँ पे सिंपल सा जाते हैं, यहाँ पे सेव कर दिए। सेव करने के बाद देखिए एक फाइल और आ गई, तो यहाँ पे हमने देखिए आपके लिखिए अलग एक डेट आ गया। फिर यहाँ पे लिख देते हैं मोबाइल, मोबाइल। फिर हम इसको हमेशा क्लोज कर देते हैं, मान लीजिए सेव करके क्लोज करते हैं, क्लोज कर दीजिए। फिर हम नेक्स्ट टाइम कभी फिर खोलते ओपन करते हैं तो देखिए अगला टाइम आ गया। फिर यहाँ पे हम लिख देते हैं लैपटॉप, लैपटॉप। फिर हम कंट्रोल यस से सेव कर देते हैं, सेव हो गया। फिर इसको हम कट करते हैं। फिर हम यहाँ पे देखिए अलग अलग टाइम ऐसे आते रहेंगे, हमें बार बार अलग अलग डेट नहीं दिखाएं, सिर्फ हमें को कौन प्रोडक्ट हमारा सेल हो रहा उसी प्रोडक्ट का नाम यहाँ पे दे रहे हैं। जैसे कहने का मतलब अब हमारा मोबाइल बिका और लैपटॉप बिका, और इसके बाद हम अगर लिखना चाहते हैं CPU, है ना, CPU हमारा मान लीजिए बिका है, तो फिर यहाँ पर हम इसको भी सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्लोज कर देंगे, ये अपना अलग अलग सेव कर लेता है। देखिए कहने का मतलब हम मैट्रिक्स कमांड की बात है, जैसे कहने का मतलब आप लोग देखे होंगे हैकिंग वगैरह देखे होंगे जब ऐसे डायरेक्टली ओपन हो जाता है, जैसे ऐसे ब्लू ब्लू कलर का उसमें लिखना शुरू कर देता है, तो हम कुछ ऐसा इंटरफेस आपको भी नोट पैड की सहायता से बताएंगे कैसे इसमें काम करता है। तो आप लोग बस चलिए देखते हैं नोट पैड में हम कैसे ये चीज़ें बना सकते हैं। नोट पैड में सिंपल सा प्रोग्राम आपको लिखना होगा, जैसे कहने का मतलब यहाँ पर हमने लिख लेते हैं, जैसे कहने का मतलब देखो लिख लिया। अब हम इस प्रोग्राम को हम सेव करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे जाते हैं सेव पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लेते हैं। डेस्कटॉप सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे किसी भी फाइल का नाम दे देते हैं, जैसे कहने का मतलब मोहन ए नाम दे देते हैं यहाँ पे, लेकिन .bat इसी एक्सटेंशन नाम को देना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे सेव करते हैं, आप यहाँ पे देखते हैं कि एक फ़ाइल और जनरेट हो गई होगी, देखिए मोहन ए नाम से जनरेट हो गई। अब आप इस पर क्लिक करते हैं, देखिए अब यहाँ पे सिंपल सा ये चीज़ें बन गया। अब देखो ये तो चलता रहेगा, जैसे आपने अजीब लगता है, जैसे अब हम सोच रहे हैं कि अगर इसी का जो कलर्स हैं ग्रीन में है, इसको हमें कलर चेंज करना है, तो हम इसको हम आसानी से चेंज कर सकते हैं। जैसे कहने इसमें जा रहे हैं कोड में जाएंगे, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे हम 4 कर दे रहे हैं, 4 कर दे रहे हैं, कंट्रोल एस से यहीं सेव कर देंगे। फिर यहाँ पे हम जाते हैं, फिर यहाँ पे कमांड चालू करते हैं, फिर यहाँ पे इसको हम कट करके फिर यहाँ से ओपन करते हैं, देखिए ये रेड में हो गया। फिर इसको हमें अलग रंग करना है तो फिर यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे हम 4 के बजाय हम 5 कर देते हैं, इस कंट्रोल से सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद इसे कट करते हैं, कट करने के बाद हम यहाँ पे इसको फिर ओपन करते हैं, देखिए अब ये पिंक कलर का हो गया लगभग। तो ऐसे हम कर सकते हैं, देखिए वेब पेज, जैसे आपने सॉफ्टवेयर वगैरह बनाना सीखा होगा तो फिर जैसे वेबसाइट हमने बनाया था, लेकिन आप कुछ जो गूगल्स पे वेबसाइट पेज दिखते हैं कुछ ऐसे दिखते हैं, तो हम भी अपने नोट पैड में ही कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर क्रिएट कर सकते हैं बहुत ही इसके। चलिए तो हम देखते हैं एक ऐसे क्रिएट किया जाते हैं, इसमें क्या क्या प्रोसेस हैं। देखिए सबसे पहले हम उस कोड को टाइप करते हैं, उस कोड को टाइप करेंगे क्या क्या कैसे है, तो हम चलिए लिखते हैं। देखिए हमने पूरे कोड को टाइप कर लिया है, अब आपको सिंपल सा इस कोड को सेव करना होगा। इस कोड को सेव करना होगा, सबसे पहले हम जाते हैं यहाँ पे, फिर यहाँ पे डेस्कटॉप पे सेलेक्ट कर लेते हैं। डेस्कटॉप सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे लिखते हैं कि यहाँ पे सिंपल सा लिखते हैं वेब पेज या फिर वेबसाइट,
वेब पेज यहाँ पे, और यहाँ पे .html नाम से सेव कर देते हैं, सेव कर दिए। फिर यहाँ पे सेव करने के बाद है ना, फिर यहाँ पे ऐसे क्लिक करते हैं, देखिए हमारा वेबसाइट क्रिएट हो गया यहाँ।